Hello students, today we will start examples of improper integral of first kind. बेटा मैंने improper integral of first kind की एक type करवाई थी आपको. Type second, if this one in the form of minus infinity to p, जो कल क्वेश्चन थे बेटा मेरे पास क्या कैसे करवाए थे a to infinity, जो लास्ट वीडियो थी बेटा उसमें type one ए टू इन्फिनिटी. आज मैं टाइप टू और टाइप थ्री के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करनी है. तो माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आपने क्या लिखना है, लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे चलना. यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, यदि इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट है तो क्या है बेटा, डाइवर्जेंट. जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डी एक्स अपॉन पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर एक्स स्केयर. तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन टी टू जीरो डी एक्स अपॉन पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर एक्स स्केयर. याद है आप कैसे सॉल्व करते थे बेटा, एक्स के कोएफिशिएंट पहले हम क्या लिखेंगे, वन. तो क्या करेंगे बेटा, के उसके के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन डिनोमिनेटर, डी एक्स के उसके पी स्केयर अपॉन के उसके प्लस एक्स स्केयर, वन अपॉन के उसके लिमिट टी टेंस टू माइनस इनफिनिटी टी टू जीरो डी एक्स अपॉन पी वाई के उधर स्केयर प्लस एक्स स्केयर. ये किसके इक्वल है बेटा, 1 by a tan inverse x upon a, 1 by a tan inverse x upon a, limit kya hai beta t to 0, 1 by p cube, haan ji yahan pe beta tan inverse 0 0 minus tan inverse p cube upon p, tan t tends to minus infinity, tan inverse minus theta minus tan inverse theta, tan inverse t क्या हो गया बेटा, minus infinity. तो क्या होनेगा बेटा, 1 by p cube tan inverse infinity. तो किसके इक्वल होता है बेटा, pi by 2, क्योंकि tan inverse minus infinity, tan inverse minus theta minus tan inverse theta, तो ये आ गया बेटा. second, तो ये क्या है बेटा, convergent, because finite value आ गई. तो क्या होगा बेटा, convergent. second, माइनस इन्फिनिटी और जीरो ए डी माइनस एक्स डी एक्स, बेटा क्या लिखेंगे इसको, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी तो जीरो ए डी माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ए डी माइनस एक्स टी टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो माइनस ए डी माइनस टी. बेटा ए डी माइनस माइनस इन्फिनिटी, ए डी इन्फिनिटी क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स डाइवर्जेंट. क्लियर है बेटा. इसके बाद थर्ड बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हाइपरबोलिक साइन एक्स डी एक्स, बेटा हाइपरबोलिक साइन एक्स, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी e to 0, hyperbolic sin x का formula क्या है बेटा, e dx e d minus x by 2, 1 by 2 limit t tends to minus infinity, क्या आ गया बेटा, e dx plus e d minus x, t to 0, 1 by 2 limit t tends to minus infinity, e d 0, ठीक है, 1 plus 1, 2 प्लस ए डी टी ए डी माइनस टी. बेटा देखो ए डी माइनस इन्फिनिटी, वन बाई ए डी इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ए डी इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी. तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी डाइवर्जेंट. ओके क्लियर है बेटा पॉइंट. ये थी टाइप टू. अब टाइप थ्री में देखो आप कैसे करने हैं क्वेश्चन. इसके बाद मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की आपको बताऊंगा, आपने एग्जांपल कैसे सॉल्व करनी है.
इसके बाद कुछ थ्योरम्स आएंगे जो आपने रिजल्ट आएंगे जो आपने करने उसके उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट है टाइप थर्ड में बेटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो आपने क्या लिखना है माइनस इन्फिनिटी से सी। सी क्या है बेटा एनी रियल नंबर। सी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। आप जीरो भी ले सकते हो कोई और ये नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो नो प्रॉब्लम। तो इसको कैसे लिखना है लिमिट टी टेंस टू टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी सी तो टी टू एफ एक्स डी एक्स। आपने इसको ऐसे क्लियर है बेटा पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल फोर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई वी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे लिखना बेटा माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस जीरो से इन्फिनिटी। तो क्या बनेगा लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन से जीरो लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू टी टू ई वी माइनस एक्स डी एक्स। बेटा क्या आएगा देखिए यहाँ पे माइनस ई वी माइनस एक्स प्लस लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ई वी माइनस एक्स। बेटा यहाँ पे देखो लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वन माइनस ई वी माइनस टी माइनस ईवी माइनस लिमिट टी टू टेंस टू जीरो सॉरी इन्फिनिटी ईवी माइनस टी टू माइनस। देखो बेटा ईवी इन्फिनिटी बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ईवी इन्फिनिटी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी क्या बन जाएगा बेटा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट बेटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स ऑन वन प्लस एक्स के द होल स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है तो कैसे करना है बेटा हमें लिमिट सॉरी माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस जीरो से इन्फिनिटी उसके बाद लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन टू जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर प्लस लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो हम पहले इसको सोल्व कर रहे हैं लिमिट बाद में पुट करेंगे बेटा। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। आपको मालूम है वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं टेन थीटा डी एक्स क्या बना बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या है सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा वन प्लस टेन स्केयर थीटा सीकेंट स्केयर थीटा सीकेंट डी फोर थीटा। तो क्या बना बेटा सीकेंट स्केयर थीटा वन कोस सीकेंट स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। इसको क्या लिखेंगे वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू। तो क्या बना बेटा वन बाय टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू। मेरे पास ये करने के बाद अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना बेटा वन बाय टू थीटा थीटा आपको मालूम है क्या बना बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टू साइन थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल 1 by 2 theta, tan inverse x, tan theta x upon 1 plus x. यहाँ पे पुट करना है बेटा। Limit t1 tends to minus infinity. 1 by 2, tan inverse x plus x upon 1 plus x square. t1 तो 0 plus
लेमर t2 टेंड्स टू इनफिनिटी 1 बाय 2 tan इनवर्स x x अपॉन 1 प्लस x के 0 तो t1 टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी 1 बाय 2 tan इनवर्स 0 0 0 माइनस tan इनवर्स t1 माइनस t1 अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस लिमिट t2 tends to infinity 1 by 2 tan inverse t2 plus t2 upon 1 plus t2 minus 0 put karenge 0 dekho beta abhi yahan pe beta isko solve karte hain limit t tend t1 tends to minus infinity t1 upon 1 plus t1 square बेटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म यूजिंग एलोस्पिटल रूल। एलोस्पिटल रूल क्या है बेटा, ऊपर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1 अपॉन 2 t1 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा बेटा 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 इसकी वैल्यू भी 0। मेरे पास क्या होना 1 बाय 2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा पाई बाय 2। क्लियर है बेटा? सो ये थी बेटा फाइनाइट वैल्यू, तो क्या आ गया कन्वर्जेंस। ये थी बेटा इंप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की आपको मेथड बताया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं इंप्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के एग्जांपल बताऊंगा भी कैसे सॉल्व करनी है बेटा अपनी। थैंक यू वेरी मच।